नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं चेतन मीरानी। ऑप्शंस की दुनिया में लोगों के माइंड में काफी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको मैं दूर करना चाहता हूं और जो मुझे कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं काफी सारे टॉपिक्स में, ठीक है। उसमें से एक नंबर वन क्वेश्चन है कि ऑप्शंस की दुनिया में इंट्राडे करना चाहिए कि पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए, और या तो उस क्वेश्चन को अलग तरीके से देख सकते हो कि कब इंट्राडे करना चाहिए कब पोजिशन ट्रेडिंग करना चाहिए, वो भी देख सकते हैं इसका, तो उसका मैं सही तरीके से आंसर दूंगा। वैसे आप 50-100 लोगों को इकट्ठा करो ट्रेडर्स को और उसको पूछो तो हर एक का आंसर अलग अलग आएगा, पर सच है, जो सच्चाई है वो कुछ और हो सकती है, ठीक है। मेरा काम है कि आप लोगों को सही राह में दिखाऊं ऑप्शंस की जब बात आती है। जनरली लोगों का माइंडसेट ये है कि उनको इंट्राडे इसलिए ऑप्शन में अच्छा लगता है क्योंकि शायद मार्जिन उसमें कम चाहिए, और पोजिशनल अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि मार्जिन की वजह से ज्यादातर लोग ऑप्शन में इंट्राडे में बाय करेंगे रादर देन सेलिंग, पर वो एक बहुत ही अलग चीज है जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहता। अभी हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन वर्सेस पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, मैं ये बता देता हूं। जो लोग इंट्राडे कर रहे हो तो मैं एक बात बता दूं, इंट्राडे में जो मूवमेंट आती है ना वो एक साइड फटाफट आ जाती है, आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, उसमें आप एडजस्टमेंट कैसे कर पाओगे। एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि इंट्राडे में एडजस्टमेंट आप कैसे कर पाओगे, उतना वक्त नहीं मिलता इतने सारे एडजस्टमेंट करने का, मेरे ख्याल से ये सब पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा। तो इंट्राडे में आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, अगर एडजस्टमेंट करना है और एडजस्टमेंट में माहिर हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ चले जाओ, समझ रहे हो। पोजिशनल ट्रेडिंग में लंबी एक्सपायरी का आप अगर एंटर करोगे ट्रेड तो उसमें आपको एडजस्टमेंट के काफी सारे चांसेस है और वही करना चाहिए। दूसरी बात, ऑप्शन की ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो ज्यादातर जो वोलेटिलिटी आती है, टाइम डीके का जो बेनिफिट मिलता है, वो सब ओवरनाइट काफी सारे चेंजेस होते हैं। अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग ही करना चाहिए। काफी लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं वोलेटिलिटी के, थेटा के, टाइमिंग के, पर फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग पे चले जाते, तो मुझे पता नहीं चलता कि शायद उन्होंने काफी सारी चीजें सीख ली है पर जो मेन चीज थी वो सीखना भूल गए या तो उनको सिखाया नहीं गया, ठीक है। तो मीठा मीठा नॉलेज होता है ना यूट्यूब चैनल में आजकल, जो मीठा मीठा अपने मन को जो भाता है ऐसा नॉलेज लेके वीडियो देख के डाल दिया, ठीक है, आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑप्शन की दुनिया में जो मूवमेंट होती है वो काफी बार ओवरनाइट आती है, जो उसका फायदा प्रीमियम पे आपको मिलता है, उस केस में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए। इंट्राडे में आप वो सब फायदा कहां उठा पाओगे। इंट्राडे में ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपको क्विक पैसा कमाने और आपका दिमाग चल रहा है तो सर अब इंट्राडे पे जा रहे हैं, राइट। उसमें भी आपको सेलिंग साइड एक्चुअली जाना चाहिए और बाइंग साइड हेजिंग के लिए यूज करना चाहिए, पर लोग ऐसा करते नहीं। अगेन वो एक अनदर टॉपिक है जिसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने क्लियर कर दिया कि कब इंट्राडे करना चाहिए, कब पोजिशनल करना चाहिए, इंट्राडे में क्या मिस आउट होता है, पोजिशनल का क्या एडवांटेज है, मार्जिन वगैरह का समझा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपना ट्रेड बिछाना चाहते हो और किस फ्लो में आप जाना चाहते हो। इंट्राडे कोई खराब बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इंट्राडे खराब है, पर हाँ इंट्राडे तब करोगे जब आपको सही नॉलेज हो चीजों का, ऑप्शन का, आप स्टॉप लॉस अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ, आप स्ट्रेटेजी सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाओ और आपको पता है कि भाई मैं आज इंट्राडे कर रहा हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऐसा ही नहीं कि भाई इंट्राडे डाल दिया तो फिर मैं उन लोगों को ऐसा बोलता हूं कि तो यार फिर आप कैश में क्यों नहीं ट्रेडिंग करते इंट्राडे, तो फिर आपने ऑप्शन को क्यों चूज किया, तो उनके पास आंसर नहीं होता। वो इंट्राडे कैश में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं और ऑप्शन में भी उनको इंट्राडे करना है, कॉल और पुट बाय कर लिया उनके लिए वो इंट्राडे होता है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन एक अलग ही चीज है, उसको अलग तरीके से आप हैंडल करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था कि इंट्राडे करे ऑप्शन में, पोजिशन ट्रेडिंग करे, कब करे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूं। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो मैंने पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल फाइंड आउट की है, आप गूगल में जाके वो वेबसाइट के बारे में सर्च कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या तो
डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस भी दिया है, उसके थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैंने लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री रखा है। लेवल वन में आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेवल टू में आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी और एडजस्टमेंट मिलेगा, बहुत मजा आएगा, और लेवल थ्री में जब भी क्वेरी होगी तो उसका सपोर्ट व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मिलेगा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ोगे, ईमेल में जुड़ोगे लंबे टाइम तक, तो आपको सही और नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बस ये वीडियो को यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।